नमस्कार सभी को, मैं कपिल रानी, वोकेशनल टीचर ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके साथ मुलाकात जब भी होती है तो एक नई और ख़ास वीडियो के साथ होती है। तो आज की हम बात करेंगे कि हमारे समाज में आसपास आप लोग देखेंगे कि लोग एक दूसरे की बुराई करने में ही व्यस्त रहते हैं। तो जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं उनके साथ कैसा होता है ये आप देखना, क्योंकि जो लोग दूसरों का बुरा करने का सोचते हैं भगवान भी कभी भी उनका साथ नहीं देता। उनके साथ भी कभी ना कभी उनके साथ ऐसी घटना घट जाएगी या उनकी लाइफ में ऐसा चलता रहेगा कि वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते। भगवान कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं होती और उसकी लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती। इसलिए कभी किसी के साथ बुरा करने की सोचे भी मत। अगर आप किसी के बारे में बुराई करते भी हैं तो वो पाप भी आपके सर के ऊपर चढ़ता है, सामने वाले के नहीं। तो एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था और वो राजा जो है क्या करता था, वो डेली 100 लोगों को खीर खिलाता था। तो उसका नियम था कि डेली 100 लोगों को खीर बना के खिलाता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसने खीर बनवाई हलवाई से और जो है जिस हलवाई से खीर बनवाई थी वो हलवाई गलती से उसके ऊपर ढक्कन लगाना भूल गया, उस जिस बर्तन में खीर बनाई थी। तो एक सांप ने उस खीर के अंदर अपना जहर छोड़ दिया, क्योंकि वो तो खुला बर्तन था। तो जब लोगों ने वो खीर खाई तो क्या होना क्या था, सारे लोग मर गए और सब लोग राजा को दोष देने लगे कि राजा ऐसा है, राजा की वजह से लोग मर गए, राजा की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया हमारे गाँव के अंदर, राजा हत्यारा है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। तो जब राजा को पता चला कि ऐसा हो गया तो उसको बड़ी ही मतलब अपने आप पे उसको बड़ा ही फील हुआ और बड़ा ही दुख हुआ और वो लोगों से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। तो उसने निर्णय लिया कि वो राजपाट छोड़ के चला जाएगा। तो उसने क्या किया, अपना सारा राजमहल छोड़ दिया और सारा राजपाट छोड़ के वो जंगलों के अंदर चला गया। और उसने सुना था कि जंगल के अंदर दो भाई बहन रहते थे जो बड़े ही भगवान के भक्त थे, पुजारी थे। तो वो जंगल में चला गया, पूछते पूछते लोगों से पूछा कि वो कहाँ रहते हैं। तो वो उनके पास गया और उनको बोला कि मैं कुछ दिन आपके यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो उनको ये नहीं पता था कि वो राजा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप रह सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो उसमें जो लड़की थी वो भगवान का बहुत ध्यान लगाती थी। तो क्या हुआ क्या कि एक रात जब वो सुबह तक लेट तक ध्यान से नहीं उठी तो उसके भाई ने कहा भी अब तो उठ जा, सुबह हो गई, इतना टाइम हो गया। तो वो जब लेट उठी तो भैया ने पूछा कि भाई आज तो इतनी लेट क्यों उठी। तो उन्होंने कहा कि भाई जो ऊपर भगवान के दरबार में है जो बहुत ही गंभीर समस्या छिड़ी हुई थी और उसका सोल्यूशन हल नहीं हो रहा था, सब लोग बैठे थे और विचार विमर्श कर रहे थे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि भगवान के सभा में बातचीत चल रही थी कि एक राजा था और उससे गलती से जो है 100 लोगों की मृत्यु हो गई। राजा खीर खिलाता था लोगों को डेली और उस जो है खीर के बर्तन में सांप ने जहर छोड़ दिया और वो 100 लोग मर गए। तो अब डिसीजन ये नहीं हो पा रहा था कि उसका दोषी कौन है, राजा है जो डेली खीर बनवाता था या फिर हलवाई है जो बर्तन के ऊपर ढक्कन लगाना भूल गया था या फिर वो सांप है जिसने खीर के अंदर जहर छोड़ा था। तो बोले ये सभा चल रही थी, उसके अंदर ये डिसीजन नहीं हुआ कि आखिर गुनहगार कौन है, दोषी कौन है, किसको सजा मिलनी चाहिए, ये पाप जो है वो किसके सर लगेगा, राजा के ऊपर लगेगा या पाप हलवाई के ऊपर लगेगा या फिर ये पाप सांप के ऊपर लगेगा। तो उन्होंने कहा फिर क्या डिसीजन हुआ। तो लड़की ने कहा कि आज तो कोई भी डिसीजन नहीं हुआ, कोई फैसला नहीं सुनाया, कल दोबारा से सभा लगेगी, कल फैसला सुनाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो राजा को तो पता लग गया कि उसके बारे में बात थी, तो वो चुप रहा, उसने सोचा कि कल देखते हैं क्या फैसला होगा। तो अगले दिन फिर सभा हुई, लड़की ध्यान में बैठी थी, तो जब ध्यान से उठी तो राजा बड़ा उत्सुक था पूछने के लिए। तो राजा ने उठते ही पूछा कि आज हुआ कुछ फैसला उसके ऊपर। तो लड़की ने कहा कि हाँ आज फैसला हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये पाप किसके सर पे लगा। तो उन्होंने कहा कि ये पाप जो राजा के गांव में जो चौपाल थी वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठते थे और वो सारा दिन राजा की बुराई करते थे, सारा दिन। बोला ये पाप उन लोगों के सर लगा। क्यों? क्योंकि जो बुराई करता है लोगों की
उसके ऊपर पाप चढ़ जाता है, किसका, जो बुरा करता है। इसलिए कभी भी किसी की बुराई ना करें। हमारे पास और भी बहुत सारे काम हैं, ठीक है, लोगों की बुराई करने के सिवाय बहुत अच्छे अच्छे काम हैं करने को। तो कहने का मतलब ये है कि कभी किसी की बुराई ना करें, ऐसा करने से उनका पाप हमारे सर पे आ जाता है, ठीक है। तो कभी आजकल लोगों के अंदर ये आदत बहुत ज़्यादा है, मैं तो रोज़ ही देखती हूँ कि लोग खाली भी बैठेंगे ना तो भी दूसरों की बुराई, वो ऐसा, वो वैसा, उसने ऐसा कर दिया, पर करें क्या। जब लोग इतना बुरा करते हैं तो बातचीत चल भी जाती है, लेकिन ज़्यादा किसी की बुराई कभी भी ना करें, उसको सुधारने की कोशिश करें। उसी इंसान को बोलें कि भाई आप ठीक नहीं कर रहे, अगर आपके बारे में कोई बात करता है, या फिर करता है तो करने दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मान लो मैं हूँ, मेरे अगर कोई बुराई करता है और मैं बुरी नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरी बुराई करते हैं, करने दो उनको, है ना। वो पाप तो उनके सर पे ही चढ़ेगा ना, बिना बात की टॉपिक उठा के बैठ जाते हैं। तो कभी भी बात कहने की है, अगर कोई बुरा करता भी है या नहीं भी करता, लेकिन हम अगर किसी की बुराई सारा दिन करते हैं या बुराई करते रहते हैं, तो उनका पाप हमारे सर के ऊपर चढ़ जाता है। तो कभी भी ऐसा ना करें, अपने लाइफ एंजॉय करें, खुश रहें, खुश रखें दूसरों को। तो इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए, आपको थोड़े से भी विचार पसंद आए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।